अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मेरी शॉपिंग ईद की। तो और एक खुशी की बात ये है कि मेरी यूट्यूब पेमेंट, जी हाँ, मेरे यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई है। कितनी आई है, क्या क्या आई है, मेरा यूट्यूब का जर्नी किस तरह रहा, वो सब कुछ मैं ईद के बाद एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप भी बिजी, मैं भी बिजी, ईद का मौका है। तो चलिए आज हमारी शॉपिंग देख लेंगे कि जोया ने आखिर क्या क्या खरीदा। तो दोस्तों, मैं ना YouTube पेमेंट आई थी और मैं YouTube के अलावा एक वुमेन्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क भी करती हूँ। तो ये दोनों सैलरीज को मिलाकर मैंने घर के सभी लोगों के लिए ईदी के तौर पर कपड़े लाई हूँ, तो वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ठहरिए ठहरिए, एक बात बताते जाऊं कि हम अपने आसपास घर के मोहल्ले में इधर उधर थोड़ा सा देखिएगा कि अगर कोई भी ईद को लेकर, इतनी बड़ी ईद है, कोई भी अगर थोड़ी बहुत मुश्किल में रहे, थोड़ी बहुत परेशानी में रहे, तो हमसे जितना हो सके, ज़रूरी नहीं कि हम इतनी बड़ी हेल्प करें, जितना हो सके उतना, चाहे छोटा ही सही, हमसे जितना हो सके उतना, एक रुपए में एक 10 पैसा ही सही, हम उनकी मदद करें, तो हमारी एक छोटी सी मदद से उनके घर में खुशियाँ आ जाती है। अगर हम नेकी के तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह पाक हमारे तरफ 10 कदम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ईद की खुशियाँ हैं। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि बाहर हालात बहुत ही ख़राब है, कई कारोबार, किसी के बिजनेस, सब कुछ इस तरह, कई लोग कई परेशानियों में हैं, तो हमसे जितना हो सके उतना हम हेल्प करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोया की शॉपिंग ईद की, ये। तो फर्स्ट मैं किसके बताऊं, तो मैं बताऊंगी अम्मी जान के लिए मैंने क्या लिया है। ये देखो, मुझे ना सैरीज ना फोल्ड करने कभी नहीं आएगा, इसी तरह होता है। तो देखिए, ये लाई हूं मैं अम्मी जान के लिए सैरी। किधर कौन सा है ये ना, और अम्मी जान को भी बहुत पसंद आई। मैंने सब कुछ सरप्राइज की तरह लाया घर पर सबके लिए। तो ये देखिए, कंप्लीट से मिरर वर्क आके है, बॉटम पूरा इसी तरह है। तो ये है अम्मी की सैरी, हो गई। नेक्स्ट देखेंगे बाबा जान के कपड़े, वो देखिए, ये है बाबा जान को कुर्ता पैजामा, कलर में नहीं लाया कभी भी, हमेशा बाबा ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कलर ही पहनते हैं, रेगुलर हो या ओकेज पर हो, व्हाइट ही पहनते हैं। ये है बाबा का कुर्ता पैजामा। तो अब देखेंगे, ये देखिए गुंड गुंड गुंडुगा, यानी बाजी के बेटे का कुर्ता पायजामा, प्यारा है ना, छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ही प्यारे होते हैं, ये पायजामा। तो ये है बाजी के बेटी के लिए, ये है अनम्मा का फ्रॉक। तो मैं ईद के दिन इंट्रोड्यूस कराऊंगी आप लोगों से ये बाजी के बच्चों को। अब किसकी बारी है, अब है बहन की बारी, तो मैं उनके लिए क्या लेकर आई हूँ वो बताऊंगी आप लोगों से। ये मैंने लेकर आया है बहन के लिए, सिंपल ही है पर कलर बहुत प्यारा था। नेक्स्ट देखेंगे, अब है जोया की बारी, ये आ जा रहा। तो देखिए, ये ना मैं स्टिचिंग नहीं करवाई, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं, और जो भी रेगुलर वीडियोस देखते हैं मेरे वो जानते हैं कि हमारे चाचा जान का इंतकाल हो चुका है, रमजान 15th अचानक से इंतकाल हो गया था। वैसे भी ईद के दिन हम कुछ भी यानी धूमधाम से नहीं पहनेंगे, बस सब कुछ लाइट से पहनेंगे, हेवी वर्क्स के कुछ भी नहीं पहनेंगे। पर वैसे भी अम्मी बाबा कोई भी ईद के लिए लेने के लिए
राजी नहीं थे तो बस मैंने ही फोर्स करके सबके लिए लाया, क्योंकि ये मेरी ये यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट थी और इतने मुबारक महीने में, रमजानुल मुबारक महीने में मैंने फर्स्ट पेमेंट को रिसीव कर ली और ये सभी हुआ आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो पहले पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो बस इसलिए मैंने ये ना टेलर कह रही थी कि ये वर्क जो है उसमें अंदर आके मशीन के, मेरे मशीन के नीडल्स टूट जाएंगे मैडम, मैं अभी नहीं स्टिच करूँगी, आफ्टर रमज़ान देखेंगे, इस तरह कह रही थी। वैसे भी हमें भी अब उतने हेवी नहीं चाहिए थे, पर मैं बस ले ली इसलिए स्टिचिंग भी नहीं करवाई। तो मुझे ना दुपट्टा बहुत ही प्यारा दिखा तो इसलिए ले ली, अच्छा है ना। का दूसरा सूट देखते हैं कि मैंने क्या लिया। ये है मेरा बस नॉर्मल सूट ले लिया, बांधनी का है, मुझे ना बांधनी बहुत ही ज्यादा पसंद है तो इसको भी मैंने स्टिच नहीं करवाया। ये बॉटम है, ये एकदम कॉटन वाली दुपट्टा। तो ये जो मैंने पहन के रखा हुआ है, ये जो मैंने पहना हुआ है ये है, मैंने लिया था शबे खद्र के दिन। नेक्स्ट देखते हैं ये सूट जो मैंने रेडीमेड लिया हुआ था, तो ये मैं पहनूंगी ईद के दिन। पटियाला सूट, बस सिंपल सा ही रेड व्हाइट कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगा, ये रेडीमेड आया और इसके दुपट्टे को लीट से रेड। तो ये थे मेरे शॉपिंग्स। तो ठहरिए ठहरिए, और ना मुझे और बहन को, यानी मुझे और हमारे बहन को आई खाला जान के घर से ईदी। तो कितना खुशी होती है ना जब कोई हमें कपड़े बनाए या कोई हमें ईदी दे, हम चाहे कितने भी पहने जैसे भी पहने पर कोई हमें लाता है ना तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। कौन क्या लेना है, कौन सा कलर लेना है, अभी हम दोनों तो डिसाइड नहीं हुए, पर हम दोनों लेंगे, मैं और हमारे बहन लेंगे ये है खाला जान के घर से ईदी। तो मैं स्पेशली हमारे खाला जान को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। ओके डन, तो ये हो गई मेरी कंप्लीट से शॉपिंग। तो और देखते हैं मैंने क्या लिया। तो देखिए ये है अबाया, ईद के लिए स्पेशल। वैसे भी मैंने ये ईद के लिए नहीं, पहले ही ले चुकी थी, पर ईद के दिन पहनूंगी। तो कैसा लगा आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, जोया का सिलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। तो ये मैंने लिया हुआ है हिजाब। तो ये है मेरी कंप्लीट से ईद की शॉपिंग। तो और आप लोगों से मैं बताऊंगी ये मैंने क्या क्या लिए, बैंगल्स बस सब कुछ। तो ये देखिए मैंने ये लिया था और उसमें ली थी मैंने ये है इयररिंग्स, ये और ये था हिजाब पिन। तो दोस्तों फाइनली मेरी हो गई ईद की शॉपिंग। ये वीडियो ना बहुत ही मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो था, पर सॉरी दोस्तों बहुत ही लेट हो गई, ईद कल ही है तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी मेहंदी का कलर किस तरह डार्क हो गया है, ये आप लोग देख लिए ना, ये नेचुरल है ना, होम मेड टैग जो स्पेशल जोया बनाई हुई है। तो अगर ये आप लोग नहीं देखे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरी ईद की शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो ना अगर थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी जोया को ईद की ढेर सारी खुशियां, ईदी, अगर कोई प्यार और मोहब्बत से कुछ देना चाह रहे हैं तो बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ना
इसी तरह अगर पसंद आए, अगर ना पसंद आए तो भी देख लीजिएगा यार, आपको जब वक्त मिला तब, क्योंकि आप लोगों से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की वजह से ही आज मैं इस मुकाम तक पहुंची। और एक बात, ये हमारी पहली ईद है, यानी मेरी और आप लोगों की, मेरी तमाम YouTube फैमिली की ये मेरी पहली ईद है। इंशाल्लाह हमारी दोस्ती, हमारा प्यार इसी तरह हर साले साल मिलके रहे, यही बस मेरी दुआ है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी जोया, अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह ईद का भी व्लॉग मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। और एक बात दोस्तों, मेरा न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया, पर आप लोग कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज्यादा से ज्यादा, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे व्लॉग्स उस चैनल में मैं अपलोड करूंगी। मैं भी इतने दिन से ना बस चैनल स्टार्ट किया पर बाजू की रख दिया, क्योंकि तो था ही बहुत ही कीमती वक्त का महीना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा दो दो चैनलों को मेंटेन नहीं कर पाई, क्योंकि रमजान का महीना बहुत ही कीमती महीना होता है, तो बस मैं एक ही चैनल को लेकर चली। अब रमजान हो गया है, ईद आ गई है, तो अब मैं उस चैनल पर भी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करते रहूंगी। पर जिस तरह आप लोग मेरे ये चैनल को सपोर्ट किया, इंशाल्लाह आई होप आप लोग वो चैनल को भी मुझे उसी तरह सपोर्ट करके ले चलेंगे। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मैं हूँ आपकी जोया, अल्लाह हाफिज़।